गुड मॉर्निंग फ्रेंड। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने पिछली वाली वीडियो में मेरे को इन्फॉर्म किया कि मेरा जो ऑडियो क्लिप है उसमें कुछ इशू हैं। तो मैंने कोशिश किया कि नेक्स्ट वीडियो में तो कुछ ऑडियो क्लिप मैंने अपना बढ़ाया उसमें। और अगर आप लोगों से वीडियो मिस हो गया तो बहुत से लोगों ने देख लिया, तो आप देख लीजिए। यूजर्स के कमेंट आए थे मेरे को, तो मैंने उस कमेंट के ऊपर ही उसी बेसिस में मैंने सेम वीडियो को बनाया था। मेनली इस चैनल में मैं टेक्नोलॉजी की वीडियो डालता हूँ, देन आफ्टर इसी चीज़ के भी वीडियो हैं और मेरे में ट्रेवलिंग के कुछ ब्लॉग्स हैं तो वो मैं डालता हूँ। तो अगर आपको वीडियोस जो भी अच्छी लगती हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगेगा और आगे भी मैं मतलब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें कंटेंट आपको पेश करूँगा। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो इंडियन आर्मी में पहली जो इनरोलमेंट हो रही है 100 महिला सोल्जर्स की जो कि मिलिट्री पुलिस में इनरोल कर रहे हैं। तो ये 25 अप्रैल से शुरू हो गया है, इसका नोटिफिकेशन निकल गया है जो इंडियन आर्मी की वेबसाइट में है। तो जो पहली बार हो रहा है कि इंडियन आर्मी में एज ए सोल्जर लेडीज़ इनरोल कर रही हैं। वैसे तो आर्म फोर्सेस के अलावा जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस थी उसमें पहले से वर्किंग कर रही है। गवर्नमेंट का गुड इनिशिएटिव है और उन्होंने ताकि ह्यूमन एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाते हुए लेडीज़ को बराबरी का हक दिया है, ये बहुत अच्छा स्टेप है और मैं इसके गवर्नमेंट के स्टेप की काफ़ी सराहना करता हूँ। तो मेनली जो मैं इस वीडियो में आज कवर करूँगा कि आपको कि कैसे आपने ऑनलाइन फॉर्म भरना है, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, तो वो सारी ही चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो देखिए, जैसे कि ये ऑनलाइन फॉर्म है 25 अप्रैल 2019 से शुरू हो गए हैं फॉर्म भरने और ये फॉर्म ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। तो अब आप इन ऑनलाइन फॉर्म को भरना है आपने, और जो आपको डेट्स देते हैं उस डेट्स पर आपको जो सेंटर उन्होंने जो रिक्रूटमेंट सेंटर इशू किया है उस डेट में आपने वहाँ पहुँचना है। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए मैं सीधे आपको वीडियो की तरफ ले चलता हूँ। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates, cause whenever we upload new तो देखिए मैं पफिन ब्राउजर में जा रहा हूँ। ओके, पफिन ब्राउजर में आपने लिखना है ज्वाइन इंडियन आर्मी। देखिए ज्वाइन इंडियन आर्मी लिख दिया आपने, तो यहाँ पर कुछ एक वेबसाइट खुल जाएंगी। देखिए यहाँ से मैं फ़िलहाल अभी इसके लिए माउस को ऑन कर देता हूँ। तो ज्वाइन इंडियन आर्मी में आपने क्लिक करना है। देखिए ओके, मैं इसमें क्लिक करता हूँ। यहाँ पर ये एक कोड मार्क डालने को बोलेगा, तो आपने कोड डाल देना है यहाँ पर 6538552, एंटर वेबसाइट। ये देखिए यहाँ से मेरा कुछ इस तरह से खुल गया है। यहाँ पर जो है उसके नोटिफिकेशन आए हैं, देखिए यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। व्यू ऑल करेंगे जब आप, ये देखिए यहाँ पर आपको सारे ही मिलेंगे आपको। देखिए अभी जो आप जिसका मुझे नोटिफिकेशन देखना है वो भी इसी में है, तो उसका वेट करते हैं। देखिए तो देखिए यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इसको क्लिक करिए, इसको ओके में क्लिक कर दीजिए, तो ये डाउनलोड कंप्लीट हो गया। देखिए मेरे यहाँ पर ये अभी मुझे यहाँ पर ओपन करना है। अभी मैं इसको ओपन कर देता हूँ एडोब रीडर के साथ। तो देखिए ये अभी एडोब रीडर के साथ हो गया मेरा। देखिए
देखिए अभी आपको ये दिख रहा होगा, जैसे कि सबसे पहले तो इसमें ऊपर लिखा है रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, जो कि सोल्जर है जनरल ड्यूटी मिलिट्री पुलिस में लेडीज़ के लिए। तो ये जो होने वाला है रिक्रूटमेंट, जुलाई अगस्त और सितंबर में होने वाला है रिक्रूटमेंट। तो ये अप्रॉक्स ये जो 100 सोल्जर हैं, मतलब 100 जो लेडीज सोल्जर हैं उनको इनरोल करना है। उसके बाद ये जो भर्ती होगी ये अंबाला, लखनऊ, जबलपुर, बेंगलोर और शिलोंग में होनी है, और ये आगे पीछे हो सकती है डिपेंड ऑन शेड्यूल। तो अभी देखिए यहाँ पर जो एज मांगी है इन्होंने, एज मांगी है 17.5 से 21 साल एज मांगी है। देखिए 17.5 से 21 साल है, और उसमें डेट दी हुई है 1 अक्टूबर 1998 से लेके 1 अप्रैल 2002 के बीच उनका जन्म होना चाहिए, और हाइट मांगी है 142 सेंटीमीटर। और हाइट में जो रिलैक्सेशन है वो आर्मी मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से उनका वेट चाहिए उनको, ठीक है। और जो क्वालिफिकेशन है 10th चाहिए उनको, और 10th में 45% मार्क्स होने चाहिए, और सभी में 33% मार्क्स होने चाहिए। टोटल जो एग्रीगेट है वो आपने 45% लाने हैं इसमें आपने। तो देखिए अभी सबसे मेन चीज़ ये है, अभी इसका फिजिकल क्या चाहिए आपको। फिजिकल आपको चाहिए इसको 1.6 किलोमीटर रन, जो है आपको ग्रुप फर्स्ट में आने के लिए 7.5 मिनट और ग्रुप सेकंड में आने के लिए 8 मिनट, जो कि ये इस तरह से है देखिए। उसके बाद नीचे लॉन्ग जंप लिखी है, क्वालिफाई करना है आपने हाई जंप। उसके बाद कैटेगरी है इसमें कि एक्स सर्विसमैन को हाइट में 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा, वेट में मिलेगा, ठीक है। तो कुछ एक कंडीशन है, ये PDF फाइल का लिंक मैं आपको नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए और वहां से डाउनलोड कर लीजिए और ब्रीफली आप इसको देख लीजिए। मैं फिलहाल आपको जो थोड़ा सा मेन चीज़ें उसमें बता रहा हूँ। मेडिकल स्टैंडर्ड में दिखा रखा है फिटनेस, उसके बाद प्रेगनेंसी का दिखा रखा है इसमें कि प्रेगनेंट नहीं होनी चाहिए, और ये केवल जो भर्ती है ओनली फॉर दी अनमेरिड जो गर्ल्स हैं उनके लिए है, मेरिड गर्ल्स के लिए नहीं है। मेरिड गर्ल्स के लिए कंडीशन है कि अगर वो कोई भी अनमेरिड मीन्स विडोज़ के लिए है, अगर कोई बैटल कैजुअल्टी है सोल्जर उनकी अगर विडो हैं तो उन वो इसके लिए अप्लाई कर सकती है। उसके बाद रिटर्न टेस्ट भी होगा इसका, और रिटर्न टेस्ट जो है NCC सर्टिफिकेट वाले का नहीं होगा, ये जो क्लियरली लिखा हुआ देखिए इसमें। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में आपके फोटोग्राफ चाहिए, एजुकेशन सर्टिफिकेट चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है, देख लीजिए ये सारी चीज़ें दिखा रहा है इसमें। अभी जो मैं कंडीशन बता रहा था आपको, वुमेन हु आर विडोड, तो ये उनका कंडीशन लिखी हुई है उसमें। तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग के दौरान भी मैरिज नहीं कर सकती है, ठीक है। तो ये देखिए, उसके बाद बहुत सी चीज़ें इसमें, ट्रेवलिंग अलाउंस, अगर आप तो जो CMP सेंटर में जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए वहाँ पर आपको ट्रेवलिंग अलाउंस मिलेगा आपको, ये क्लियरली मेंशन किया हुआ इन्होंने। और जो पे एंड अलाउंसेस है, जो पे एंड अलाउंसेस का जो फिगर है वो मिलेगा। देन आफ्टर जो लीव है, वो लीव जो आर्मी रूल्स में है वो लीव मिलेगी, और ये चेंज हो सकती है एज पर जेंडर के हिसाब से, ठीक है। और पेंशनेबल सर्विस जो है उनकी 15 साल है, और जो एज अ सोल्जर मतलब एज अ जवान के तौर पर 17 साल कंटिन्यू कर सकते हैं सर्विस, जो कि इन्होंने क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसमें कुछ एक डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे हैं, एफिडेविट मांगा है कि एक इन्होंने फादर मदर सेल्फ अटेस्टेड जॉइंट फोटोग्राफ चाहिए उनका फादर के साथ, ठीक है। अगर फादर है तो फादर के साथ, ये देख लीजिए मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ। उसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट नोटरी के इसमें साइन चाहिए, ये जो है नंबर 2 है एफिडेविट, ये सारे ही एफिडेविट है और इसमें जो है मजिस्ट्रेट या नोटरी के साइन चाहिए। नंबर 3 पर जो है नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर 10 रुपये के स्टाम्प में बनना है, इनरोलमेंट ऑफ वुमेन मिलिट्री पुलिस बिलो अफसर्स रैंक,
ठीक है, ये भी एक तरह का एफिडेविट है। तो ये सारे एफिडेविट आपको लेके जाने हैं एज पर फॉर्मेट में जो स्टाम्प पेपर इसमें दिया हुआ है, ठीक है। ये देख लीजिए आप, तो ये कुछ इस तरह से इसके नोटिफिकेशन में हमारा ये आया हुआ है। ये सारा नोटिफिकेशन की पीडीएफ फाइल मैं आपको, इसका जो लिंक है मैं आपको नीचे दे दूंगा, आप लिंक वहां से डाउनलोड कर लेना। तो देन आफ्टर अभी मैं दोबारा आपको दिखाता हूं, देखिए ये तो मैंने डाउनलोड कर लिया है, अभी मैं दिखाता हूं कि आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। तो जैसे आप यहां पर गए तो आपको एक ऑप्शन आएगा JCOOR अप्लाई टू लॉगिन, देखिए ये जो ऑप्शन है तो इसमें आपने जाना है, देखिए ये जो ऑप्शन है आपने, ये जो ऑप्शन है आपने इसमें क्लिक करना है, आपने क्लिक कर दिया, प्रोसीड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका बोल रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन, तो आपने इस वाले बटन में क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन वाले में, यहाँ पर आपने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर ये कुछ एक नोटिफिकेशन वगैरह दे रहा है, देखिए ये नोटिफिकेशन को दे रहा है, यहाँ पर आपने जाके आखिरी में इसके यहाँ पर आपने कंटिन्यू कर देना है। यहाँ से आपने जैसे स्टेट भरना है, मेरे पास आधार कार्ड नंबर, सारी डिटेल्स भर देना है आपने, और यहाँ से आपको एक आईडी जनरेट हो जाएगी। तो इस तरह से आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और ये जो आपको एडमिट कार्ड है ये आपको ईमेल आईडी में मिलेगा, तो ईमेल आईडी से आप ले कर सकते हैं। दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जाना है, टाइप करना है ज्वाइन इंडियन आर्मी, ये आपने टाइप करना है। जैसे आप चेक चले गए, ये देखिए ये वेबसाइट है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। इसमें क्लिक करते ही आपने नीचे आना है, स्क्रॉल डाउन करके ऑप्शन सिलेक्शन है पहले, देन आफ्टर JCOOR इनरोलमेंट है, तो इसमें जो ऑप्शन है JCOOR अप्लाई लॉगिन, इसमें क्लिक करना है आपने। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है, तो रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने के बाद आपने देखिए यहाँ आपने जाना है और कंटिन्यू में क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपका सारा फॉर्म खुल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा या आपके कुछ कमेंट है या आपकी क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। डेफिनेटली मैं 100% कोशिश करूँगा कि जितना मुझे पता है मैं आपको आपके कमेंट सेक्शन में आपने जो कमेंट किया है उसका उत्तर दूँ। तो मेरा वंस अगेन ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो मेरी आने वाली वीडियोस हैं उसके आपको मैं नोटिफिकेशंस कंटिन्यू देता रहूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।